एसपी से बात करो। मैं कल मिला था एसपी सर से, लेकिन मैं मिस कर गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर सादिक भैया का लाइव देखा तो मैं इनको फोन किया। मैं एसपी सर से एक बार बात कर लेता हूँ, एक्शन में है वो। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ बलात्कार की भी घटनाएं बढ़ रही है। जिस तरीके से राजधानी पटना में भी बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, कहीं ना कहीं बेटियों के सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बीते दिनों बेतिया में एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश की गई, फिर उसके गला रेतकर हत्या कर देने की भी कोशिश की गई। इस बीच बच्ची जीवित है, इलाज चल रहा है। स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, सियासत भी गरमाई हुई है। पप्पू यादव कल उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे, बच्ची का हालचाल जाना, और साथ ही पप्पू यादव ने आर्थिक मदद भी की। इस बीच भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी इस मामले को लेकर गंभीर हैं। खेसारी लाल यादव ने वीडियो कॉलिंग के जरिए परिजनों से बातचीत की है, पीड़ित बच्ची को देखा है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि खेसारी लाल यादव मदद करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अन्य सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखते हैं, बेतिया की बेटी भी अब खेसारी लाल से उम्मीदें लगाए बैठी है कि उनके लिए न्याय की लड़ाई में खेसारी भी साथ आएंगे, आगे बढ़ चढ़ कर उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस बीच क्या कुछ बातचीत किया है खेसारी लाल यादव ने, जरा सबसे पहले आप देखिए। ये लड़की गला गिरे दिया गया अभी है। भैया एक विनती थी भैया कि आप भी अपने फेसबुक के लाइव से, अपने फेसबुक लाइव से माध्यम से थोड़ा बोल देंगे कि प्रशासन ने इस पे कड़ी से कड़ी मांग करे। एक लड़का पकड़ाया है जिसका नाम राजदेव है, लड़की उसकी पहचान की है, आ रहे तो उसको जेल भेजा गया, एक लड़का और बच रहा है अभी, तो आपसे गुजारिश है भैया की थोड़ा ऊपर कोई आया हुआ है आपसे गुजारिश। मैं कल मिला था एसपी सर से, लेकिन मैं मिस कर गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर सादिक भैया का लाइव देखा तो मैं इनको फोन किया। मैं एसपी सर से एक बार बात कर लेता हूँ, एक्शन में है वो। तो अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो फिर मुझे बताओ, मैं डीआईजी से बात करूँ। जी भैया, जी भैया, ठीक है। और अपने तरफ से जो भी हो बेटा, उस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। इलाज में जो भी पैसे लगे तो मुझे बताना, तो मुझे फोन करना बेटा, अकाउंट नंबर भेजना। जी भैया, जी भैया, जो भी ये उनके फादर है जी। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। इनकी मम्मी है, ये मम्मी है उनकी, उनकी मम्मी है। तो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव सुपरस्टार तो है ही, साथ ही जिस तरीके से जनसेवा में दिखते हैं खेसारी, जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कहीं ना कहीं जनता के बीच एक सुपरस्टार की छवि और भी बढ़ जाती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।